शनिवार की दोपहर धनतोली थाना क्षेत्र स्थित फॉर्च्यून मॉल की पार्किंग में एक एएसआई के बेटे की संदिग्ध हालत में मिली लाश। मानकापुर थाना अंतर्गत कार चालक ने पहले एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, फिर अपनी कार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए युवक से 5,000 रुपए भी मांगे। आरटीएम नागपुर विवि द्वारा शीत सत्र 2020 की परीक्षाएं 25 मार्च से ली जाएगी। स्नातकोत्तर सहित बैंक सब्जेक्ट वाले छात्रों की परीक्षा कॉलेज स्तर पर होगी, जबकि स्नातक की परीक्षा विवि द्वारा ली जाएगी। सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को शुक्रवार रात को बड़ी परेशानी का सामना। शुक्रवार रात को दोनों के डाउन होने की जानकारी सामने आई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 21 से 21 मार्च तक महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर रोक का असर दिखने लगा है। बंदी से पहले ही बसों की फेरियां कम हो गई। जिले में बुधवार और गुरुवार को तेज आंधी के साथ हुई बारिश के कारण जिले के कई इलाकों में किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। गेहूं और चना उत्पादक किसानों को इसका सर्वाधिक नुकसान होने का समाचार है। जब से प्रशासन ने दोपहर 1 बजे के बाद सब कुछ बंद का फरमान लागू किया है, तभी से दोपहर 1 बजे तक राशन सब्जी डेयरी की दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जबकि इससे पहले जिसे जब समय मिलता था तब वो जाकर अपनी खरीदी व काम कर लिया करते थे। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए यशोधरनगर पुलिस ने एक व्यक्ति के घर से कुल 24,600 रुपए की देसी शराब जब्त की। कोरोना का दुष्प्रभाव बढ़ने के साथ ही सिटी में हालत भी बिगड़ रहे हैं। हालांकि अभी बिना लक्षण वाले मरीज होम आइसोलेशन में रहकर उपचार कर रहे हैं, वहीं मनपा द्वारा बनाए गए कोविड केयर सेंटर में भी भर्ती किया जा रहा है। पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए ने कहा कि हाल ही में ओबीसी सीटों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके चलते अब आगे भी सभी स्थानीय निकाय चुनाव जैसे जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों में ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया है।